you have to do this problem by drawing something on the paper. ये मैं दिखा रहा हूँ. Male population 1/3 will remain unmarried and female population 2/5 will remain unmarried. Okay, everybody please look at this picture. The question to everybody is, this is the most fundamental mistake sometimes we do. Okay, fraction लेते ही हम ये मान लेते हैं कि denominator बराबर है, दोनों को जोड़ दिया, बराबर कर दिया. ये किसने बता दिया कि number of male is equal to number of females? In fact, number of males and females cannot be same. अगर वो same होते और एक जने की एक से शादी हुई है, तो जितनी males की fraction होती, उतनी female की fraction होती. So it is very clear that number of males and females are not same. तो वो bar तो exactly same रख ही नहीं सकते आप. So this is why we are saying that it is very important to draw correct pictures based on the understanding of fractions. तो fraction की अगर समझ clear होगी तो आप फोटो ठीक बना पाए. हमें सॉल्व करना है इसको, हमें पिक्चर बना के बनाना है, पिक्चर से बाहर से. तो हम लोग देखते हैं कैसे करके हो सकता है ये, कैसे करके हम लोग कर सकते हैं इसको. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सिर्फ एक बार लिया जिसको मैंने ये कह दिया कि दिस इज द टोटल मेल पॉपुलेशन. अब मुझे क्या कहा गया था कि 2/3 पार्ट इज द मैरिड. मुझे उस बार को इक्वली 3 पार्ट्स, बिल्कुल बराबर 3 भाग में बांटने हैं, जो कि मैंने यहाँ पे 3 बराबर भागों में बांट दिया. और उसका 2 पार्ट को मैंने मैरिड शो कर दिया. That blue color part is the married part, okay? Now, the main point इसके अंदर क्या था कि जितने male married males थे उतने ही female married है, because एक male एक ही female को शादी करेगा. So number यहाँ पे special condition ये है कि number of married males equal to number of married females. तो मुझे क्या करना है कि married males के बराबर का और एक बार लेना है. मैंने पूरे बार का इक्वल नहीं लिया है, एंड उसके बराबर का मैंने जो टोटल मैरिड मेल पॉपुलेशन, उसके बराबर का मैंने फीमेल मैरिड पॉपुलेशन ले लिया है, बिकॉज ये दोनों नंबर्स मेरे को इक्वल दिए गए थे. हियर द न्यूमरेटर पार्ट इज इक्वल, बट जो फीमेल पॉपुलेशन है हमें यह बताया गया था 2/5 पार्ट, यानी कि यह श्योर हो जाता है कि दिस इज द 2 पार्ट्स ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द फीमेल. तो ये भी एग्जैक्टली 2 पार्ट्स जो है वो मैंने ले लिए. नाउ इसके बराबर का एग्जैक्टली मैंने पार्ट है उसके बराबर के और 3 पार्ट इसके साथ जोड़ दिए. नाउ दिस बिकम द 2/5 ऑफ द टोटल फीमेल मैरिड पार्ट. और यहाँ पे मेरा 2/5 पार्ट जो है फीमेल मैरिड का निकल गया. और उसके बाद मेरा जो अनमैरिड, जो मेरा क्वेश्चन था कि व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द अनमैरिड, तो ये मेरा 1, 2, 3, 4 ये मेरे अनमैरिड पार्ट निकल गए. So, total अगर यहाँ पे देखा जाए कि 4 parts are the unmarried part of the total population. So, my answer is 4/8. यानि half of the population is unmarried. और इसमें एक बात ये ध्यान की है कि हम ये parts इसलिए जोड़ पाए क्योंकि सभी parts का size exactly बराबर है. अगर size बराबर नहीं होते तो नहीं जोड़ सकते थे. We know that each part of both male and female parts are exactly equal. So total parts are 8, white parts are 4, that's what the answer is half.